हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड की होगी और लास्ट वीक हमारी मार्केट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा था। सारे इंडेक्सेस ने अपने ऑल टाइम हाईज लगाए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देकर गई है। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मंडे जब मार्केट खुले तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली डील करें, क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें। तो इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी फ्राइडे के लिए हमारे लेवल्स की हम वीडियो नहीं ला पाए थे ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर हम ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करें तो जो यूएस की मार्केट है जब फ्राइडे को बंद हुई तो पॉजिटिव नोट पे बंद हुई है। डाउ जोन्स अराउंड 285 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नैसडेक 196 1.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। तो जो वीकली क्लोजिंग आई है काफ़ी अच्छी पॉजिटिव दी है यूएस मार्केट ने। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वो भी सारी की सारी आपकी फ्राइडे को पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास ऑलमोस्ट मेजोरिटी मार्केट बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वीक की क्लोजिंग आई है वो बड़े अच्छे मूड के साथ आई है। सारी इंडेक्सेस वीकेंड पर एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। अब हमारी मार्केट की बात करें, हमारी मार्केट ने लास्ट 3 दिन में काफ़ी स्ट्रांगनेस दिखाई है और अपने ऑल टाइम हाई हिट किए हैं। निफ्टी 19 189 पॉइंट बंद हुई है। 18 से 19 बोलना काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्विच हो चुकी हैं चीज़ें। 217 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। सबसे अच्छी बात इस क्लोजिंग में क्या है कि वीकली क्लोजिंग 19,000 के ऊपर आई है जो आने वाले दिनों में फर्दर स्ट्रेंथ को शो करेगा। बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे बंद हुई है, समहाउ 44,500 ब्रेक करके बंद हुई है, 44,747 पे बंद हुई है, 419 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। निफ्टी ने तो एक माइलस्टोन क्रिएट अचीव कर लिया 19,000 का। बैंक निफ्टी पीछे रह गई है क्योंकि जो निफ्टी को फ्राइडे को चलाया था मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर का था। बैंक निफ्टी का जो माइलस्टोन होगा 45,000 होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले हफ्तों में हम ये माइलस्टोन बैंक निफ्टी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी ने भी अपना माइलस्टोन अचीव कर लिया 20,000 का। तो निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट होप सून सूनर में हम होप करते हैं कि 45,000 बैंक निफ्टी के लिए एक अचीवेबल टारगेट है जो बहुत जल्दी अचीव हो जाना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है, ग्लोबल मार्केट बड़े स्ट्रांग मोड पे बंद हुई है, हमारी मार्केट भी स्ट्रांग मोड पे बंद हुई है और हम आने वाले हफ्तों में फर्दर स्ट्रांगनेस निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम ये कह सकते हैं वीक स्ट्रांग क्लोज हुआ है, कोई भी चिंता की बात नज़र नहीं आ रही है। जो मार्केट हैं हमारी इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली वो ब्रेकआउट्स नोट पे बंद हुई है। अब चलते हैं और एक बार ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट है और लास्ट 4 दिन की कैंडल ये है। बड़ी स्ट्रांगली चली है मार्केट और 19,000 का एक माइलस्टोन अचीव करके बंद हुई है। और 19,000 अगर होल्ड करती है आने वाले हफ्तों में तो 19,500 20,000 जैसे कुछ टारगेट्स हैं जो कुछ टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि 19,000 होल्ड करना चाहिए। अब 15 मिनट में क्या हुआ उस पर डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ्राइडे हमने लेवल्स नहीं दिए थे, सॉरी फॉर दैट। तो हम आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर समहाउ क्लोज करके गई है, वो भी वीकली क्लोजिंग करके गई है। जो अगला माइलस्टोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट बैंक निफ्टी में वो 45,000 का। ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा माइलस्टोन है जो बड़ा ईजिली अचीवेबल लग रहा है एटलीस्ट बैंक निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल ट्रेंड में कोई कमी नहीं है, मार्केट बड़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है और बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी थी 43 से 44 के बीच में, इस हफ्ते बड़ा स्ट्रांग उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये था फ्राइडे को क्या हुआ उसके बारे में। फ्राइडेज को एंट्री कहाँ पे बनी वो हम अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्राइडे वीडियो नहीं आई थी। तो अब मंडे की एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल है, ये फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब सवाल आएगा कि ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो।
जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानता डेल्टा क्या है, या हम 13 AMA का यूज़ करते हैं बार बार, वो नहीं जानता क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट है 18750 से 18818 का जोन, 19,000। रेसिस्टेंस 19,250 पे और 19475 से 19500 पे है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 19700 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18600 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। क्योंकि हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग की स्ट्राइक रिकमेंड कर रहे हैं, तो थोड़ी सेफ्टी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, थोड़ा रिटर्न कम आ जाए बट सेफ्टी ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनकी हेल्प से आप मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार मैं चार्ट में इन्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। अब तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है मार्केट। गैप डाउन की पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है, कोई बड़ा गैप डाउन तो इट्स लाइट इम्पॉसिबल वाली चीज़। अगर कोई न्यूज़ आ जाए 2 दिन है तो अलग चीज़ है, ना तो गैप डाउन कोई बड़ा तो नज़र नहीं आता। जो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी वो फ्लैट से एक हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ रहेगी। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि गैप अप अगर होता है मार्केट में तो हम कैसे उसे लॉजिकली डील करें। तो गैप अप के केस में अब जो निफ्टी की जो इमीडिएट हर्डल आप कह सकते हो वो होगी 19250। एक इम्पॉर्टेंट लेवल आएगा, अगर इसको गेन करके सस्टेन करती है तो 19500 पहुँचने से कोई नहीं रोकेगा निफ्टी को। तो अगर इसके ऊपर ओपन होती है, नीचे भी हो जाती है, या एटलीस्ट एग्जैक्ट 19250 पे हो जाती है, कहीं भी हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे एक कैंडल की, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल लगातार ऊपर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करोगे कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली। अब टारगेट चाहिए होंगे, टारगेट होंगे 19400 एंड 500। अगर इसकी जगह क्लोजिंग नीचे आ जाती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, तो इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे। टारगेट होंगे 19150 एंड 19000। स्ट्राइक की बात हुई, टारगेट की बात हुई, जो रह गया वो रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में होगा 19250 का लेवल है, इसके 50 पॉइंट्स नीचे। स्टॉप लॉस पुट के केस में होगा इसके 50 पॉइंट्स ऊपर। अभी 50 पॉइंट्स इंडेक्स के टर्म में, अगर आपको प्रीमियम के टर्म में जानना हो कितना स्टॉप लॉस होगा तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं आप कॉल के केस में भी, पुट के केस में भी, क्योंकि 50 पॉइंट्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट नीचे लगा लेंगे तो बेटर होगा। तो ये है कि अगर आप गैप अप को ट्रेड करना चाहो मंडे को, अगर 19,250 के ऊपर या कहीं भी ओपन होती है तो कैसे करें। अब चलते हैं अपने सेकेंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस में निफ्टी क्लोज हुई है 19189 पे और उसके आसपास ओपन होना। अगर इसके आसपास ओपन होती है तो एक लेवल 19250 का ऊपर आ रहा है, और फिर 19,000 के जो लेवल है वो काफ़ी नीचे आ रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, बीच में 13 AMA आ रहा है और ये यहाँ पे कहीं पे होगा उस वक्त। तो पहले भी हमने देखा था कि जब लेवल्स दूर दूर आ रहे हैं और मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम 13 AMA की हेल्प से अपनी एंट्रीज को मोर रिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट करती है, सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे। ब्रेक नहीं कर पाती है तो इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे। और अगर ओपन होने के बाद नीचे गिरती है और 13 AMA को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, मतलब 19,000 तक के टारगेट के साथ आप पुट बाय कर सकते हो जस्ट आउट द मनी। और नहीं करती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ भी था, तो आप अगर देखोगे वेडनेसडे मार्केट बंद होने से पहले 13 AMA पे कंसोलिडेशन चल रहा था एंड मंडे मार्केट गैप अप खुली, सॉरी फ्राइडे, और चलती गई। तो अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है तो इट्स अनदर अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 19250 रख लेंगे। तो ये था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो आप उसे कैसे मंडे को लॉजिकली डील कर। अब थर्ड और लास्ट सिनेरियो है गैप डाउन का, कि अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो आप उसे कैसे डील करें। गैप डाउन के केस में आप देखोगे तो जो लेवल सीधे नज़र आ रहा है वो 19,000 का ही नज़र आ रहा है। इतने नीचे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो इतने नीचे तो होना नहीं चाहिए, अगर होती है तो अलग बात है, बट कोई न्यूज़ आ जाती है 2 दिन में, अदरवाइज इट्स लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। तो
तो आप क्या कर सकते हैं, 13 AMA बीच में आ रहा है, अब इसका ही सहारा है, तो अगर इसके नीचे या बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय साइन, 19,000 के टारगेट के साथ आप पुट बाय करेंगे, और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय साइन, हम कॉल बाय करेंगे, 19,250 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो आपको उसे कैसे डील करना है लॉजिकली। अब चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 44 and 44.5, रेसिस्टेंस है 45,400 से 45,500 का जोन, और 45,000, उल्टा हो गया, 45 पहले लिखना चाहिए था। ऑप्शन सेलर है तो 45,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर है तो 43,400 के नीचे रह सकते हैं, बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनको आप, जिनकी हेल्प से आप मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप बेटर विजुलाइज कर पाओ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में तीन पॉसिबिलिटी हैं, फ्लैट से लेकर गैप अप की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, गैप अप कोई बड़ा तो कम चांसेस है, हाँ एक थोड़ा बहुत गैप अप तो हो सकता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन आ रहा है 44,750 से 800 का, जिसे फ्राइडे को रसिस भी कर रही थी, इसको क्रॉस नहीं कर पाई थी लास्ट 1-1.5 घंटे में। तो मंडे के लिए भी, मंडे को भी मार्केट के लिए या बैंक निफ्टी के लिए यही जोन प्ले आउट करेगा। तो अगर इसके ऊपर गैप अप होती है, इसके बीच में कहीं भी होती है बट क्लोजिंग ऊपर दे देती है इस जोन के, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय साइन, जस्ट आउट होने वाली कॉल बाय करेंगे, और 45,000 का माइलस्टोन आप अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट को बाय करेंगे, और जस्ट आउट द मनी को, टारगेट आपका 44,500 हो जाएगा, और 44,500 पहला, और दूसरा आप 44,250 से 275 का जोन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई स्ट्राइक कौन सी लेनी है, बात हुई टारगेट कौन सी लेनी है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट्स नीचे रख लेंगे, 750 से 800 का जोन है। स्टॉप लॉस पुट के केस में, इसके 100 पॉइंट्स ऊपर रख लेंगे, ये इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में अगर आप स्टॉप लॉस जानना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रीमियम है उसके 40 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये था कि अगर हमें डील करना हो तो हम कैसे करें मार्केट को। अब जो है, पहले 40 पॉइंट्स रख रहे थे, अगर बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो रहा है, जैसा अभी हो भी गया, तो आने वाले एक्सपायरीज में आपको दिख भी रहा होगा, तो आप उस अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये था कि अगर गैप अप हो तो मार्केट में कैसे हम लोग डील करें। अब चलते हैं फ्लैट के केस में। फ्लैट का मतलब बैंक निफ्टी बंद हुई है 44,740 एग्जैक्ट, देखिए तो 47 पे एग्जैक्ट जो जोन आ रहा है 750 से 800 का, उसके नीचे ही बंद हुई है। और यही जोन अगर आप मंडे को जब ट्रेड करने जाएंगे, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जाएँ, तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस जोन का ब्रेक होना ही फर्दर रैली लाएगा या 45,000 तक लेके जाएगा, और यह जोन नहीं ब्रेक कर पाती तो 44,500 को दोबारा टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो फ्लैट का मतलब इसके जस्ट नीचे ओपन होना, ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय साइन, और नीचे ही 13 EMA आ रहा है। तो अगर 13 EMA को नीचे ब्रेक करती है, उस टाइम 13 EMA भी यहाँ कहीं ऐसे ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, और सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय साइन, जस्ट आउट देने वाली पुट बाय करेंगे, टारगेट आपका 44,500 हो जाएगा। तो ये था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करें। लास्ट है हमारा गैप डाउन। गैप डाउन में लेवल जो आ रहा है वो 44,500 का ही आ रहा है, तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले, कैंडल क्लोज दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय साइन, 44,200 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे, 750 से 800 और 45,000 आपके टारगेट होंगे। तो ये था कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे लॉजिकली डील करें। अब चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी, जो 20,000 की हो चुकी है। सपोर्ट है 19,750, 19,850 से 900 का जोन, 20,000, रेसिस्टेंस है 21,000 से 150 का जोन, 22,50, 25,000। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपकी ये स्ट्राइक हो गई, 20,500 और 19,750,
ऑप्शन बायर है तो आप ये लेवल्स यूज कर सकते हो। तो ये हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग मंडे की मार्केट। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर साबित होगा, आपको कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को यहीं पे पॉज करते हैं। डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा हो, हेल्पफुल साबित हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको हेल्प हो सके। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। तो बस एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। जब आप लॉजिक के साथ ट्रेड करते हो तो आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसी विश के साथ कि मंडे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आप कुछ लॉजिकल ट्रेड करें, आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।